ये तो फिर भी मेरा एक स्मॉल प्रोडक्ट था, लेकिन अगर हम कोई भी लार्ज प्रोडक्ट लेते, कॉस्टली प्रोडक्ट लेते, तो उसमें आपको सेल करने में भी थोड़ा बहुत अटपटा भी लगे। लाइक अगर आप आईफोन की रेटिंग देखोगे या वन प्लस की रेटिंग देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा, और उसके बाद भी जो दिखाते हैं उसके बाद भी कॉस्ट कटिंग होती है उसमें, सो वो सिनेरियो मेरे को थोड़ा बहुत ज़्यादा ही अटपटा लगा। हेलो गाइस, आज की डिस्कशन होगी हमारी कैशिफाई के बारे में। बेसिकली कैशिफाई क्या है? कैशिफाई हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना होता है, लाइक मोबाइल सेल करना है या लैपटॉप सेल करना है या टीवी सेल करना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको अगर सेल करना है तो हम कैशिफाई का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको उसको थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ कि मेरे को अभी क्या सिनेरियो है। बेसिकली मेरे को मेरी मदर का मोबाइल फ़ोन सेल करना है, तो मैं कैशिफाई में सेल करने की सोच रहा हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अभी फटाफट इस मम्मी का फ़ोन है, ये फ़ोन को बेच रहा हूँ, तो अब देखते हैं इसका रिव्यू कैसा रहेगा और क्या रहेगा मेरा। तो बेसिकली ये हमारी लोकेशन पे तो अवेलेबल नहीं है, तो मेरे को अभी फ़िलहाल साउथ दिल्ली में जाना पड़ेगा और वहीं पे जाके इसको एक बारी लोकेशन देनी पड़ेगी, तब जाके ये होगा। ये रियलमी का फ़ोन है, अब देखते हैं क्या रिव्यू आएगा। ये रहा रियलमी का फ़ोन। सो सारी चीज़ें अभी हमने रखी पड़ी है, कैशिफाई के थ्रू मैं बेचूंगा इसे। सो गाइस बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि मेरी मदर का बर्थडे आने वाला है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं उन्हें एक नया फ़ोन गिफ्ट करूँ, तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस फ़ोन को सेल करवा देता हूँ। सो अब मैंने कैशिफाई ओपन किया है। कैशिफाई में आप स्मार्टफोन की कैटेगरी को ओपन कर रहे हो एंड देन आप रियलमी जो भी आपका प्रोडक्ट है, जैसे मेरा प्रोडक्ट, मेरा जो फ़ोन है वो रियलमी का, तो मुझे उसको सेल करने के लिए मैं रियलमी के ऊपर टैप करूँगा। वहाँ पे जाके जो भी आपका फ़ोन है, जैसे कि मेरा फ़ोन है रियलमी U1, तो मैं उसको जाके टैप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको GB की कैटेगरी आ जाएगी, कौन सा वेरिएंट आपका है, 3GB, 4GB। तो मेरा 4GB 64GB मेमोरी वाला वेरिएंट है, सो मैंने उसके ऊपर टैप किया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 7000 अप्रॉक्स अमाउंट दिख रहा है। सो अब हम फटाफट यहाँ पे टैप करके वेरीफाई करा देंगे इनको कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो सबसे पहले मैंने सारी सेटअप को वेरीफाई कर दिया है और बता दिया है कि कहीं पे भी स्क्रैच नहीं है, कहीं पे भी कोई भी सिनेरियो नहीं है। सारी चीज़ें, बॉक्स लीड, बॉक्स चार्जर एंड बिल, सब कुछ मैं प्रोवाइडेड करवा रहा हूँ। तो बेसिकली मैंने सारी चीज़ को टिक मार्क कर दिया, बस एक था जो बेसिकली मेरे फ़ोन को हो चुका है 2 ईयर्स से ज़्यादा, तो इसमें वारंटी 11 मंथ्स की होती है। सो अब देखते हैं क्या अमाउंट आता है। सो कट कटा के जो अमाउंट आया है यहाँ पे वो आया है 5260। आप यहाँ पे 3 वेरिएंट से ले सकते हैं अमाउंट, या तो आप फिर UPI करवा सकते हैं, या फ्लिपकार्ट में कूपन के तरीके से ले सकते हैं, या फिर आप अमेज़ॉन में गिफ्ट कार्ड के तरीके से ले सकते हैं। सो गाइस बेसिकली मैंने अभी फ्लिपकार्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, तो इसमें 5500 समथिंग अमाउंट आ रहा है। सो अब हम फटाफट इसमें अपनी लोकेशन मेंशन कर देते हैं कि हम कहाँ पे बिलोंग करते हैं, वहाँ पे कैशिफाई वाला पर्सन आएगा एंड देन जाके आप उसको बता सकते हैं। तो गाइस हमने सारी चीज़ें रेडी कर ली है। अब सबसे मेन सिनेरियो ये है कि मैंने कैशिफाई वाले पर्सन को अपना मोबाइल दिखाया, Realme U1, जिसकी कॉस्टिंग आ रही थी अप्रॉक्स 5500 विद कूपन। सो अभी उन्होंने सारे इसके फ़ोटोज़ कैप्चर करे हैं और अपने हायर अथॉरिटी में भेजा है। तो मेरे को जो रिस्पांस मिला यहाँ से वो ये चीज़ मिली कि उन्होंने यहाँ पे विदाउट स्क्रैच, मींस कि बिल्कुल माइनर, इतना माइनर कि आप बता नहीं सकते। मैंने फुल टाइम कैमरे को, फुल टाइम फ़ोन को कवर से सिक्योर करके रखा था, कोई भी बैंड नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी सिनेरियो नहीं है, लेकिन फिर भी उन कैशिफाई वाले पर्सन ने मेरी इसमें कॉस्ट कटिंग करी है। मीन्स 5500 से वो 4800 में आ गया, मतलब कि 800 की कॉस्ट कटिंग मेरे को नहीं पता क्या सिनेरियो से किया है। और बहुत लिटल स्क्रैचेस भी नहीं कह सकता मैं, ग्लास बहुत ज़्यादा चमका हुआ था उसका, बस बहुत माइनर डॉट्स जो रहते थोड़े बहुत कवर से आ जाते, तो वो चीज़ थी, लेकिन इतना ज़्यादा मेरे को वो ड्रॉबैक नहीं लगा था। और बैंड भी कोई नहीं था, लेकिन उन्हें बैंड दिख रहा है जो उनके हायर अथॉरिटी है, तो मेरे को थोड़ा बहुत अटपटा लगा कि यार आपने वैसे ही कॉस्ट कटिंग कर ली, 7000 से उन्होंने 5000 तक लिया और अब उससे भी कम 4800। तो मेरे को थोड़ा बहुत अजीब सा लगा ये सिनेरियो इनका, कि यहाँ पे आने के बाद भी जब आपके पास पूरा प्रॉपर क्लीन फ़ोन है विदाउट एनी स्क्रैच, विदाउट एनी बैंड, देन उसके बाद भी उन्होंने 700 या 800 की कॉस्ट कटिंग करी, जो मेरे को तो वर्थ नहीं लग रही थी कैशिफाई वालों के साथ। सो मैंने तो उनको बेसिकली मना कर दिया था
तो देन उनके जा सो देन उसके बाद उन्होंने उसका प्राइस थोड़ा मेरे को इंक्रीज करके 5000 अप्रॉक्स दे दिया था। सो बेसिकली मेरे को लगा कि ये भी कोई बैड डील तो नहीं है, क्योंकि मेरे फ़ोन को ऑलमोस्ट 2 ईयर हो चुके हैं एंड मैंने जो ये बाय किया था 9800 में बाय किया था और इसकी 2 ईयर बाद कॉस्ट 5000 जा रही, तो मेरे को सूटेबल लगा। सो नाउ मैंने उस फ़ोन को सेल कर दिया है। सो मेरे को अब कैशिफाई की सर्विस ओके लगी है, लेकिन मेरे को अभी भी समझ नहीं आया कि उन्होंने वो 600 या 700 जो भी है वो कॉस्ट कटिंग क्यों करी। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई और फ़ोन है, अगर आपको पुराना फ़ोन है, अगर आपको उसको सेल करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।